दोस्तों मैजिक कार्ड, मास्टर कार्ड, स्पाई चीटिंग प्लेइंग कार्ड, आखिरकार यह क्या बला है? तो दरअसल कार्ड के पीछे एक कोड बना हुआ रहता है जिसे देखकर मैजिशियन आसानी से समझ जाता है कि कौन सा कार्ड किस नंबर का है, किस कलर का है। तो दरअसल इस चीज का इस्तेमाल हम लोग जादू दिखाने के लिए करते हैं और इस वीडियो में आपको इंडिया के अंदर मिलने वाले लगभग सभी मैजिक कार्ड यानी कि मास्टर कार्ड आपको दिखाने जा रहे हैं। जितने भी है लगभग सभी कार्ड को हमने लिया है और इस वीडियो में आपको उसे दिखाएंगे और उसके ऊपर जो कोड बना हुआ रहता है वो कहां पे रहता है, ये सारी चीजें एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो जानकारी से भरा हुआ है और हाँ, हमने बहुत समय बाद एक गिव अवे लाया है जिसमें कि 11 लोगों को दो दो मैजिक कार्ड दिया जाएगा। चो, 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 11 लोगों को दो दो, तो उसमें आपको कैसे भाग लेना है यह आपको वीडियो में ही बताया जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं आज का यह पावरफुल वीडियो। और दोस्तों बिल्कुल आप इसे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी जानकारी आपको छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास है ग्रैंड मास्टर, इंडिया का सबसे पुराना मास्टर कार्ड ग्रैंड मास्टर है। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से इसे पहचाना जाता है। दोस्तों अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट होना है तो एक मेरा दूसरा चैनल है उसे आपको सब्सक्राइब करना होगा और उसमें एक वीडियो है उस पर जाकर के आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट के बेसिस पे वहाँ पे गिव अवे अनाउंसमेंट होगा और टोटल 11 लोगों को दो दो गड्डी दिया जाएगा। ये मार्क कार्ड की दो दो गड्डी उनको दिया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी यहाँ आप, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे क्लिक करके भी मेरे सेकंड चैनल पे जा सकते हैं और यहाँ पे शो हो रहा है नाम, ऐसे सर्च करके भी आप वहाँ पे जा सकते हैं और केवल आपको वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है, बस यही आपको करना है और इसके बाद आप शामिल हो जाएंगे गिव अवे में। अनाउंसमेंट आपके कमेंट के आधार पर किया जाएगा, तो वीडियो में एक कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारा सा। तो यहाँ पे देखिए इस कार्ड में कैसे पहचानते हैं, यहाँ इस तरह की कार्ड है। अब इसमें पहचानने के लिए यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे कोड रहता है, जो सर्कल आप देख रहे हैं इसी सर्कल में कोड बना हुआ है। सर्कल में इस तरह का जो डॉट यहाँ पे खींचा हुआ है इसके अंदर में हल्का हल्का डिजाइन दिया हुआ है, जिसमें से यह गायब होता है उसी नंबर की कार्ड होती है। जैसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, फिर यहाँ तीन है, फिर यहाँ तीन है, फिर यहाँ तीन है, तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, तो 12 नंबर की कार्ड तक यहाँ पे पहचान सकते हैं। और टोटल जब भरा हुआ रहता है तो 13 नंबर की कार्ड होती है यानी कि बादशाह होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर खाली है, यहाँ देख सकते हैं गौर से बिल्कुल खाली है ये बॉक्स, तो यह इक्का है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर खाली है तो यह दुक्की है। इसी तरह से यहाँ देखिए तीसरा नंबर खाली है, 1, 2, 3, यहाँ पे इसमें कोई एरो नहीं है तो यह 3 नंबर की कार्ड है। जब 3 के बाद अगला गिनती शुरू होगा वह 4 से होगा, तो यहाँ भी दिया हुआ है, इसके बाद 4, 5, 6 इस तरह से इसमें कोड बना हुआ है, इजीली याद हो जाता है। और इसमें कलर के लिए बहुत ही यूनिक बनाया गया है, कलर इस भी से पहचाना जाता है, इस भी से। तो दोस्तों इसका पूरा जो वीडियो है, कंप्लीट वीडियो अगर आपको इसमें बताए तो काफ़ी टाइम लग सकता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं या हमारे दूसरे चैनल पर भी इसका वीडियो आपको आने वाला है। ग्रैंड मास्टर के बाद आया यह डॉक्टर डी, बहुत ही खतरनाक कार्ड है, इसे कोई आदमी नहीं समझ पाता है। दोस्तों सबसे खतरनाक कार्ड है मार्क कार्ड में और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना पड़ता है, लेकिन है बहुत ही जबरदस्त कार्ड। यहाँ पर देखिए जब इक्का है, दुक्की है, तिक्की है, उसको हम पहले सजा लेते हैं, इक्का, दुक्की, तिक्की, चौका, इस तरह से। तो इक्का में यहाँ टोटल देखिए यहाँ कुछ ऐसे ऐसे डॉट 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 यहाँ पे दिया हुआ है, हल्की हल्की लाइन यहाँ पे खींची हुई है। अब फर्स्ट नंबर में जो गायब लाइन है वह इक्का को इंडिकेट कर रहा है। इसमें आप देखिए आप समझ जाइएगा हम क्या फर्स्ट बोल रहे हैं। यहाँ जो क्रॉस है, इस क्रॉस में फर्स्ट नंबर पे गायब है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे नहीं गायब है, यहाँ गायब है, तो यह इक्का को इंडिकेट करता है। अब जब टोटल यहाँ से इस क्रॉस में जो यहाँ है और यहाँ है, टोटल जब भरा हुआ रहता है तो यह 2 नंबर को इंडिकेट करता है। ओके, अब यह तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में यहाँ 2 के बाद 3 शुरू होगा, तो दूसरा में इक्का ऊपर से शुरू हो गया, ऊपर का खाली है, अब दुक्की में पूरा भरा है और तिक्की नीचे से शुरू हो जाता है, तिक्की है, फिर इसके बाद चौका है, पंजा है, छक्का है, सत्ता है, अट्ठा है, इस तरह से गिनती इसमें शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये जो कार्ड आप देख रहे हैं ये कार्ड तिक्की है और तिक्की के बाद यह खाली है तो यह चौका है, तो कुछ इस तरह से इसका नंबर
डॉक्टर डी का पहचाना जाता है। बहुत ही शानदार कार्ड है और इससे बहुत सारे ज्वेलरी लोग मांग पत्ती भी खेलते हैं। सामने वाला को बोलता है कि मांगिए कौन सा कार्ड है, तो मांगते हैं वो कार्ड, उनके पास चला जाता है। तो आपको जुआ इस कार्ड से नहीं खेलना है, केवल मैजिक दिखाना है। दोस्तों अगर इस तरह का कार्ड आपको चाहिए तो यहाँ पे नंबर 16 94 43 91 51, ये मेरे शॉप का नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आप किसी भी तरह का मैजिक का सामान मंगवा सकते हैं और मैजिक कार्ड मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मिस्टर मैक्स है और मिस्टर मैक्स में गेहूं की बाल के जैसा यहाँ पे इंडिकेटर है और इसी बाल के अंदर में इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा कि किस नंबर की कार्ड है। तो इसमें जो भी आप यहाँ पत्ते या बाल बोल सकते हैं वह है, इसी के अंदर जो यहाँ पेड़ के पत्ते में जो लाइनिंग दिया हुआ रहता है वो लाइनिंग अगर थोड़ा सा गायब है समझिए वही कार्ड है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ से आया यहाँ तक और इसके बाद गायब है, तो यह इक्का है। ओके, अब यहाँ दूसरा वाला में देखिए यह पूरा है यहाँ से यहाँ और यहाँ पे गायब है, यहाँ पे हल्का आया और यहाँ पूरा खाली दिख रहा है। इसमें आप देख रहे हैं पहला में और इसमें दूसरा में, तो यह 2 नंबर की कार्ड है। ओके, अब यहाँ पे यह 3 नंबर की कार्ड है, 1 2 3, यहाँ तीसरा नंबर पे यह खाली है, यहाँ पे दूसरा नंबर पे खाली था और यहाँ पे तीसरा नंबर पे खाली है, तो यह 3 नंबर की कार्ड है। ओके, अब यहाँ पे इस कार्ड को देखिए तो 3 के बाद 1 2 3 और ये 4, यानी चौथा नंबर पे। यह कार्ड इजीली याद हो जाता है लोगों को कि किस नंबर का कार्ड मेरे हाथ में है, तो इसलिए मैजिशियन आसानी से बता देता है कि कौन सा कार्ड है बगैर देखे हुए। ओके, और इसमें कलर पहचानने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे ऊपर दाएं बाएं, इसी से पहचाना जाता है जिसमें गायब है उस तरह की है। इसका पूरा सिखाया हुआ वीडियो आपको लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। अगर पूरा बताएंगे तो आप बहुत देर हो जाएगा, देख नहीं पाइएगा, बोलिएगा बोरिंग है। तो यहाँ देख लीजिए पहचान किस तरह से होता है, वो आपको हम आसानी से बता रहे हैं। अब देखिए यह है फ्लूक, यह भी बहुत ही बढ़िया कार्ड है और इसका पहचान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ यहाँ जो गोल देख रहे हैं यही गोलाकार बताएगा कि किस नंबर की कार्ड है। यहाँ जो भरा हुआ रहेगा वही कार्ड होगा, जैसे यहाँ पे डॉट आपको दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ डिजाइन है, लेकिन नहीं, यहाँ देखिए यह खाली है। ओके, तो यहाँ अगर 1 नंबर पर भरा हुआ तो इक्का है, अगर 2 नंबर पर भरा हुआ है, यहाँ गौर से आप देख सकते हैं ये 2 नंबर पर भरा हुआ, यहाँ पहला नंबर और यहाँ पहला खाली है, दूसरा पे भरा हुआ, तो ये दुक्की है। इसी तरह से यहाँ टिक्की को देख लीजिए, इक्का दुक्का और टिक्की, यहाँ 3रा नंबर पे भरा हुआ है, इस तरह से बिंदी यहाँ साट दिया है, बाकी दोनों इम्पैटी है, ये खाली है, बाकी सभी खाली है, तो यह 3 नंबर की कार्ड है। तो बहुत ही आसानी से इसे आप समझ सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। यहाँ 4 नंबर की यह कार्ड है, चौथा पर है, तो धीरे धीरे यह बहुत ही इजीली याद भी हो जाता है। अब चलते हैं अगला कार्ड की तरफ, यहाँ पे हमने देख लिया 4 कार्ड, अब 5वें नंबर पे फैक्स 555, बहुत ही शानदार इसका डिजाइन दिया हुआ है, इसको यहाँ से पहचानते हैं, यहाँ पे जो फूल दिया हुआ है इसी से पहचानते हैं। अगर पहला नंबर का डॉट यहाँ देखिए, इसमें बिंदी है और जिसका खाली है, यहाँ पे क्या था कि भरा हुआ था, इसमें भरा हुआ था उस नंबर की कार्ड था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें जिसका डॉट गायब है उस नंबर की कार्ड है। ये सब डॉट है, डॉट है, यहाँ पे फूल है, इसमें पहला नंबर का खाली है तो 1 नंबर की कार्ड है। ओके, यहाँ 1 के बाद 2रा नंबर का खाली है तो 2 नंबर की कार्ड है, और यहाँ 1 2 3 3रा नंबर का खाली है तो 3 नंबर की कार्ड है। तो इसी से हम पहचान लेते हैं कि किस नंबर की कार्ड है। अब यहाँ यहाँ से गिनती होती है तो ये 4थे नंबर की है, तो 4 नंबर की कार्ड है। तो कुछ इस तरह से इसे पहचानते हैं। और रंग की बात किया जाए तो रंग को इंडिकेट करता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, इससे हम रंग का पता करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर इस तरह का कार्ड आपको चाहिए तो यहाँ नंबर 16 94 43 91 51, इस पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। बहुत सारे मैजिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है हमारे शॉप में, वहाँ से आप मंगवा करके अच्छे से मैजिक दिखा सकते हैं। अब रेड फॉक्स, इसका बहुत ही प्यारा डिजाइन है, ऐसा लगता है कि किसी पेंट किया हुआ, पेंटिंग किया हुआ कार्ड को हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसको कैसे पहचानते हैं उसे देखिए, यहाँ पहला नंबर पहला बॉक्स खाली है तो इक्का होता है, यहाँ 2रा बॉक्स खाली है, यहाँ देख सकते हैं इजिली आपको दिखेगा कि 1 के बाद यहाँ 2रा नंबर खाली है तो ये 2 नंबर की कार्ड है, और दुक्की के बाद यहाँ 3रा नंबर खाली है तो 3 नंबर की कार्ड है। यहाँ जो आइसक्रीम जैसा बना हुआ है इसी में पहला खाली 1 नंबर, 2रा खाली 2 नंबर, 3रा खाली 3 नंबर, यानी 2 लिखा हुआ है और यहाँ 3 नहीं है, तो यह टिक्की है। ओके, अब टिक्की के बाद हम देखते हैं 4 नंबर की कार्ड को, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ 4 नंबर खाली है, तो यह चौका है। अब इसका रंग इससे पहचानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ दाएं बाएं
ऊपर नीचे इसी से रंग पहचानते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, आपको हम पूरा तरह की कार्ड हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, आप देखते जाइए आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। और यहाँ देखिए अब यह आया विंग्स, बहुत ही सुंदर डिजाइन है इसका भी। और देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, हमारे देहाती भाषा में यह कहावत है। तो यहाँ देखने में इसका बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है, आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि हम पता कर सकते हैं कि इसमें कहाँ पे पहचान है, लेकिन यही इसकी खासियत है कि लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ जो लाइन दिया हुआ चक्र यहाँ बना हुआ है, इस चक्र में जो लाइन इस लाइन को टच करेगी, सर्कल को टच करेगी, जो भी यहाँ इस चरखा में लगा हुआ स्कोप बोले तो, वह अगर टच करेगा उसी नंबर की कार्ड होगी। जैसे यहाँ पे पहला नंबर है यह टच कर रहा है, आप गौर से देखिएगा आपको दिख रहा होगा इस लाइन को, केवल ये लाइन टच कर रहा है तो यह इक्का है। अब इसके बाद यह दुक्की यानी दूसरा नंबर का कार्ड टच कर रहा है, आप गौर से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, तो यह दुक्की है दोस्तों। अब तीसरा नंबर की कार्ड को देखिए, तीन नंबर की कार्ड पर यहाँ पे तीसरा लाइन, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा लाइन टच होते हुए यहाँ दिख रहा है तो यह तीन नंबर की कार्ड है। यहाँ दूसरा लाइन टच हो रहा है तो दो नंबर की कार्ड, पहला लाइन टच हुआ है एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर की कार्ड। अब यहाँ पे चौथा लाइन टच हो रहा है, एक दो तीन और यहाँ चार, नहीं नहीं ये पाँचवा है शायद, हाँ ये पाँच है, पाँच नंबर की कार्ड है, तो ये पाँच नंबर की कार्ड है। तो यहाँ पे यह चार नंबर की, एक दो तीन चार, ये चौथा नंबर की कार्ड है। तो दोस्तों नंबर इस तरह से पता कर सकते हैं। और कलर की बात करें तो कलर हमें यह पंख बताता है, इस पंख की मदद से हम कलर पता कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा जो आपको कलर दिखेगा या पेंट किया हुआ दिखेगा, यह भी पेंटिंग जैसा फील देगा। इसमें नीचे बैल है, ऊपर बैल है, नीचे बैल है, ऊपर बैल है, और इसके जो चक्का है इसी चक्र में, चक्का में पहचान दिया हुआ है। यहाँ पे जो बैलगाड़ी है बस इसके नीचे वाले चक्का को, इसे ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, बस हमें नीचे वाले चक्का को देखना है। तो इसमें देखिए बिल्कुल घड़ी जैसा दिया हुआ, जैसे घड़ी में एक बजता है, दो बजता है, तीन बजता है, जैसे एक बजे यहाँ रहती है, दो बजे, तीन बजे, चार बजे, तो उसी तरह से बिल्कुल चक्र दिया हुआ है। और आप घड़ी में देखिएगा तो एक बजेगा इसके पास, बारह यहाँ सीधा में बजता है, तो एक बजे यहाँ एक नंबर की कार्ड हो गया, यहाँ दो बज रहा है दो नंबर की कार्ड हो गया, और यहाँ पे गौर से देखिएगा यह सीधा है तो यह तीन बज रहा है, यह तीन नंबर की कार्ड है, और यहाँ पे देखिएगा यह चार बज रहा है तो चार नंबर की कार्ड है। तो ऐसे आसानी से यहाँ पता कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर नहीं समझ में आएगा, नीचे से पता करते हैं। और कलर की बात करें तो कलर यहाँ से पता चल जाता है, ये चारों कलर के लिए दिया गया है। यह है 555, तो आप अगर बिहार के हैं, यूपी के हैं, गुजरात के हैं, तो यहाँ पे बहुत ये चलता है ये कार्ड, और मैजिशियन लोग खूब दिखाते हैं इस कार्ड के खेल को। तो दोस्तों देखिए इसमें कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है क्रॉस का, अब क्रॉस सभी में कॉमन है, लेकिन जहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, जोर का निशान आ जाएगा, इस तरह से प्लस का समझिए वही कार्ड है। तो प्लस यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर है तो इक्का है, ओके, प्लस यहाँ पे दूसरा नंबर पर है तो दुखी है, इसे ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए फिर भी आपको इंडिकेट करेगा कि कहाँ पे प्लस है। तो यहाँ दो नंबर पे है, इसे ऐसे पकड़ेंगे फिर भी दो नंबर पे है, आप उधर से देख रहे हैं तो इसे देख सकते हैं पहला नंबर दूसरा नंबर, यहाँ देखिए ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, आप उधर से देखें चाहे इधर से देखें आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यह तीसरा नंबर की कार्ड है तो तीसरा नंबर प्लस है, आप गौर से देख सकते हैं कि एक नंबर प्लस था, इसमें क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये तीसरा नंबर प्लस है तो तीन नंबर की कार्ड, यहाँ दूसरा नंबर प्लस है तो दो नंबर की कार्ड, ओके। अब ये चार नंबर की कार्ड है तो चौथा नंबर प्लस है, इसमें चौथा नंबर, यहाँ तीन तीन का सीरीज दे दिया गया है ताकि इजीली मैजिशियन को समझ में आ सके, तो तीन के बाद यह चौथा नंबर है जो कि प्लस है तो चार नंबर की कार्ड है। और रंग की बात करें तो रंग शुरू में जो ऊपर वाला पार्ट है हमें एक दो तीन चार का, ये चारों हमें कलर को इंडिकेट करता है। तो अब चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह भी 555 है और इस दोनों में डिफरेंट है, इसमें प्लस वाला सिंबल है लेकिन इसमें प्लस वाला सिंबल नहीं है। अगर दोस्तों इस तरह की आपको कार्ड चाहिए तो हमारे शॉप में मिल जाएगा, ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, मैजिक कार्ड है। तो यहाँ नंबर 1644-9191 इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको जैसा सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ,
पेमेंट पहले किया जाता है, पेमेंट आप कर दीजिएगा, इसके बाद यहाँ से सामान भेज दिया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी भी तरह के आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होता है। और हम लोग का ये बिजनेस बहुत ही पुराना है, ये तकरीबन 4 सालों से है। तो दोस्तों ट्रस्ट है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना भरोसा करके आप यहाँ से सामान लेते हैं और आपको सही सलामत पहुँच जाता है। तो अब चलिए नेक्स्ट कार हमारे पास जो है यह 555, इसमें कैलकुलेटर जैसी पहचान है। जैसे इसमें एक लिखते हैं तो एक लिखने के वक्त यहाँ पे देखिए दो पार्ट में यह डिवाइड हो जाता है। दो जब इसमें लिखेंगे तो यह दो यहाँ यहाँ और कुछ इस तरह से आपको इसमें दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ इसका ज्वाइनिंग है। तो इसी की मदद से हम आपको समझा रहे हैं कि इसमें कैसे पहचान। जैसे देखिए यहाँ पे इक्का है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, इसे ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए। तो इक्का यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ एक लिखने के बाद हल्का सा यहाँ जो कटा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा कटा हुआ है, एक इलेजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। इसे देखने के बाद एक हमें नज़र आ जाता है। अब यहाँ दो देखिए, गौर से देखिएगा, दो दो आपको इसमें कैलकुलेटर में जिस तरह से दिखता है ये 12 आ गया, दो। हाँ, इसमें जैसा दिखता है वैसा ही सेम यहाँ दिख रहा है, दो ऐसे आया ऐसे गया और दो। अब यहाँ तीन देखिए, अब तीन में तीन यहाँ जिस तरह से लिखे उसी तरह से यहाँ दिख रहा है, ऐसे आया और ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, यहाँ तीन, तो तीन नंबर की यह कार्ड है। और यहाँ अगर चार नंबर की दिखा जाए तो चार नंबर यहाँ पर जिस तरह से हम क्लिक किए तो चार नंबर ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, तो यह चार नंबर को इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से पूरा कार्ड को पता लगाया जा सकता है कि इसमें किस नंबर की कार्ड है। और कलर भी इसका यहीं पे दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है। तो इसका फुल वीडियो का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देख सकते हैं या मेरे सेकेंड चैनल पे जहाँ पे गिव अवे में अगर आपको शामिल होना है तो सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बस उसका अनाउंसमेंट 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद कर दिया जाएगा और जो भी भाई विनर होंगे उनको दो दो प्लेइंग कार्ड गिफ्ट में भेज दिया जाएगा उनसे एड्रेस लेकर के। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग उसमें ज़रूर शामिल होइएगा और भी उस पर गिव अवे आएगा उसमें भी आप शामिल ज़रूर होंगे। इस कार्ड में क्लियरली आप गौर से देखिएगा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। जैसे इक्का है तो इक्का लिख दिया गया है, दुक्की है तो दो लिख दिया गया है, तिक्की है तीन लिख दिया गया है और कलर भी साथ में लिख दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये चार लिखा हुआ है यहाँ पे, चार, तो यह चौका है और यहाँ चीरी का सिंबल है तो चीरी का चौका है। अब यहाँ देखिए लाल पान है और यहाँ जे लिखा हुआ यानी गुलाम का सिंबल बना हुआ है तो लाल पान की गुलाम है। और इसी तरह से यहाँ चीरी का तिक्की है तो यहाँ तीन लिख करके यहाँ चीरी का सिंबल है। टोटल यहाँ क्लियरली दे दिया गया, देखिए यहाँ पे ईंट का सिंबल है, ईंट का, और यह बेगम का है यानी क्यून यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा कार्ड है। और बहुत सारे डिजाइन आपको अभी बताए, जिस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे जो 555 है इसके कॉर्नर पे पहचान है, और हमने यहाँ पे देखा कि ये प्लस वाली 555 है, और हमने यहाँ घड़ी वाली पहचान देखी, इसमें घड़ी वाली पहचान है, और यहाँ पे भी इसमें भी घड़ी वाली पहचान है। इसके बाद हमने इस कार्ड को देखा, फ्लुक को देखा, और यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से इल्यूजन वाली कार्ड जो कि बहुत ही शानदार दिख रही है, यहाँ इस कार्ड को हमने देखा डॉक्टर डी को, और यहाँ पे हमने इस ग्रैंड मास्टर को देखा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टोटल कितने कार्ड देखा, टोटल 11 कार्ड देखे हैं। तो हमें उम्मीद है कि सब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का कार्ड चाहिए तो यहाँ पे नंबर 16 94 41 91 इस पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ आप गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर होइए, अगर आप लोगों को हम गिफ्ट भेजेंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी। तो बस हमारे सेकेंड चैनल पर जाकर के वहाँ पर लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर से आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।